हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगी। आप सभी को हैप्पी नवमी। गाइस, आज पूजा लास्ट डे है, इसलिए देखिए सब आ रहे हैं और आज बहुत भीड़ है। देखिए गाइस, गर्मी में भी मास्क पहनना पड़ रहा है सेफ्टी के लिए। भगवान करे जल्दी कोरोना खत्म हो जाए। और कल कितना भीड़ था, उससे भी ज़्यादा आज भीड़ है, आप सब देख ही सकते हो। देखिए बहुत ही भीड़ है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, तो इसीलिए मंडप के अंदर जा नहीं सकूंगी बेबी को लेके। बस हम लोग बाहर से देखकर चली जाएंगी, नहीं तो मैं अकेले चली जाऊंगी दर्शन करने। भैया थोड़ा साइड दीजिए ना, इतना भीड़ में भी देखिए 50% ही मास्क लगाया हुआ है, आप सब देख ही सकते हो। आधा तो मास्क लगाया ही नहीं है और सब घुसे जा रहे हैं मंडप की तरफ पूजा का खुशी में। बाद में क्या होगा नहीं पता। मैं दर्शन करने के लिए तो गई थी, लेकिन बहुत ही वहाँ भीड़ था, पैर रखने के लिए जगह नहीं था, इसीलिए मैं वापस आ गई। थोड़ा दूर से ऐसे वापस आ रही हूँ की तरफ। गाइस ने मास्क खोल दिया, बहुत गर्मी लग रही थी। आज ना बहुत ही भीड़ है, हम लोग खाली आए थे लेकिन खाली इतना भीड़ नहीं था। आज लास्ट डे है, आज बहुत ही है भीड़। हमारे आ रही है बेबी का पास, बेबी है यहाँ। मैं दिखाती हूँ आप सबको, मैं भी रहती ही हूँ और बेबी भी। इधर देखो बेटा, देखा तो दिखा रहे हैं मम्मा यहाँ काऊ है बोल के। बेबी हेयर बैंड पहनो, हेयर बैंड। हम लोग अभी जाएंगे दूसरा मंडप की तरफ और बेबी अभी पैदल चल रही है। गोदी में लेने से भी वो ना उतरने के लिए जल्दी जल्दी वो हो जाते हैं। दूसरे गाय सब जगह भीड़ की भीड़। अभी हम लोग ना मंडप से हम लोग निकल के ना अभी रोड में आ गए और देखिए हम कितना भीड़ है। मुझे ना सब ऐसे जाते समय भी मूर्ति ऐसे देख रहे पलट के। वाह 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 वाह। हाथ रखने के लिए जगह नहीं है भाई। आज तो सब हंसी खुशी घूम रही है देखिए, और कल विसर्जन का दिन है तो कैसे लगेगा कल ना। कल बहुत ही मन खराब होने वाला है। गाइस आज बहुत भीड़ है, सांस लेने में मुश्किल हो रहा है यहाँ। सब मंडप में ना बहुत ही भीड़ है, इसीलिए चलो आज चिकन मोमो खा लेते बोल के मंगवाया, तो हाफ प्लेट ही था तो हम लोग हाफ प्लेट लिया। और काके बस अभी निकल गई बस ऐसे बाहर बाहर देखने के लिए, और बेबी बोल रही है वो पों पों बजाने वाला चाहिए, तो वो तो नहीं मिला। लेकिन फुलाने से जो बड़ा होता ना वो वाला था छोटा भीम, तो छोटा भीम खरीद के दिया। बेबी बहुत खुश हो गई, बेबी टीवी में भी छोटा भीम चुटकी देखते बहुत पसंद है। महानवमी की आरती सप्ताह स्टार्ट हो गई है। जिन भक्तगणों को आरती में शामिल होना हो वे पूजा पंडाल में प्रणाम का अवश्य करें। जय माता दी। बेबी छोटा भीम कहाँ है? तो भीम पकड़ो। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। पूजा पंडाल में आ जाए, कुछ ही समय में हम आरती शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद।
मंडप के अंदर आरती चल रहा है और यहाँ बेबी ना ये पानी लाइट्स को देख के और भी देखना है, नहीं जाना है और भी देखना है बोल ही रही है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा यहाँ रुक रही है इसको दिखाने के लिए। यहाँ से निकल जाएंगे, बस बहुत गर्मी लग रही है। और ना यहाँ देखिए जहाँ से एग्जिट होता है ना वहाँ लाइट ही नहीं है, अंधेरा है और यहाँ धक्का मुक्का हो रहा है। और मैं फ्लैश लाइट मार के ना आ रही हूँ और अभी बाहर आ चुकी है। और यहाँ देखा कोलकाता दुम बिरयानी, तो हम दोनों खाएंगी कि नहीं डिस्कस कर रही थी लेकिन नहीं खाया, ऐसे आ गई। यहाँ देखिए तो गाइस कितना भीड़ है, कितना भीड़ है, देख के मुझे ना घबराहट होने लगी है। और गाड़ी कैसे हॉर्न मार रहे है आप सब सुन लीजिए। हम लोग आए तो थे गाइस यहाँ ये वाला मंडप में जाने के लिए, और देखिए मंडप के आगे बहुत ही भीड़ था, इसीलिए हम लोग गाइस हम लोग अभी घूम लिया और अभी जा रहे खाने। बेबी है यहाँ पैदल चल रही है, गोदी में लेने से भी ना ये उतरने के लिए जीत करती रही थी। देखिए तो बेबी को सीढ़ी चढ़ने के लिए ये कितना एक्साइटेड है, देखिए। भैया मेनू देख रहा है क्या ऑर्डर करेंगी, हम दोनों डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। और बस ऑर्डर कर दिया दो ही, प्लेन राइस एंड चिकन बटर मसाला। यहाँ सलाद तो नहीं था, सलाद भी ऑर्डर करने वाली थी। यहाँ भी पूरा टेबल फूल ही है, सब वेट करना पड़ रहे हैं, एक उठ जाने से फिर से बैठ जाते हैं ऐसा है। हम लोग भी थोड़ा वेट करना पड़ा और हम लोग का बस खाना आ गई अभी, और अभी खाना खाएंगी। बेबी को देखिए बाहर खाना खाने में ना उसको बहुत ही स्वाद लगता है, अगर घर में कुछ भी बना के दो तो ये नहीं खाती है, लेकिन बाहर को देखो बाहर कैसे खा रही है ये। बेबी को खाना खिलाने के लिए यही रोज़ उसको लाना पड़ेगा, ये यहाँ खाना खा रही है, घर में तो कुछ भी नहीं खाती, जो भी बना के दो। और मैं जब इसको खिलाती हूँ ना तब ये नहीं खाएगा, वो खुद ही खाएगा। देखिए सिर्फ वो चावल ही खा रही है। चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। बहुत दिनों के बाद आया है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, बस ऐसे बाहर बाहर ऐसे पराठा रोटी वगैरह तो खाते हैं, लेकिन चावल ऐसे खाने के लिए भी नहीं आया, बहुत दिन हो गया, इसलिए बहुत ही स्वादिष्ट लगा। घर में ना रोज़ खुद ही बनाती हूँ, खुद का हाथों का खा के ना बोर जैसे होने लगी हूँ, तो कभी कभार भी बाहर खाना चाहिए ना गाइस। आप लोग खाते हो कि नहीं कमेंट करना, कम से कम एक महीना में एक बार तो आना चाहिए बाहर खाने के लिए। और खाना खा के अभी निकल गए हम लोग बिल वगैरह पे करके, और बेबी है पापा का पास और सब अभी आ रहे हैं देखिए खाने के लिए, और जो जो खा के आ रहे हैं देखिए मेरे पीछे है सब। बेबी के लिए पोंपों बजाने वाला को ढूंढ ही रही है हम लोग, अभी दो तीन शॉप पूछा तो सब ख़त्म हो गया ऐसे बोल रहा था भैया, तो हम लोग अभी घर के लिए निकल गई अभी, और आगे शॉप होने से देखूंगी। बेबी बोल रहे चाहिए मुझे पोंपों बजाने वाला, सब बजाते हुए देखने से और भी ये बोलती है कि मुझे चाहिए ऐसे बोल के, तो सब अभी घर वापस आ रही है। और देखिए फाइनली यहाँ मिल गई पोंपों बजाने वाला, और बेबी को ये टॉर्टोइस भी बहुत पसंद था और इसको भी लेकर आया और बैलून लेके आया, बस इतना सही।
ये देखिए बेबी कैसे देख रही, एक के ऊपर एक की इसका हाथ में उठा रही है। और मैं लास यहाँ का मंडप में अभी देखूंगी, बस चली जाऊंगी। ये है जो मैं दिया जलाने के लिए आया वो वाला मंडप। और आज के लिए बस इतना तक ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे ब्लॉग को पसंद आएगी। अगर पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अच्छी नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।